जी फरज। बारे दीगर सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद रेडी औलाद सलावात अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज रायताजी जुहरे इमाम जमाना सलावात एक दफा सूरह फातिहा और एक दफा सूरह इखलास पढ़ने में मजलिस के तमाम मरहूमीन जुमला मोमिनीन और मोमिनात बिलखुसूस शुहदाए अज़दारिये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिराता अल-मुस्तकीम सिराता अल-लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरि المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير سلامات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحسن اعماه العادون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأصيائه والشافعة إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقيه الله في ارضه روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فدا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقانه الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو ایک مقام عظمت تک پہنچانے کے لیے حق کو سرفراز سربلند اور پہاڑ کی طرح مضبوط رکھا جبکہ باطل کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھاگ کی مانند ہے چاہے یہ جتنی ہی زیادہ اپنے اندر پھیلاؤ لے آئے یا اس کو کتنا ہی زیادہ سپریڈ کیوں نہ کر دے دیکھنے میں کتنا بڑا کیوں نہ نظر آئے لیکن کیا کوئی جھاگ پر کھڑے ہو کر چھلانگے مار سکتا ہے لہذا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی اس سنت کے اوپر رکھتا ہے اللہ کے اس راستے کے اوپر اس روش کے اوپر اس طریق کے اوپر اس سبیل کے اوپر رکھتا ہے جس میں الٹیمیٹلی اس کو حق تک پہنچنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم حق تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر استقامت ضروری ہے وہاں پر میں ایک سوال کروں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف نیکی کر کے حق تک پہنچ سکے کسی کے پاس بہت ساری حسنات کا ایک پہاڑ ایک امبار لگا ہوا ہو
क्या वो अपनी इस नेकियों के पहाड़ की बदौलत जन्नत में जा सकता है? क्या वो ये सोच सकता है कि मेरे पास क्योंकि बहुत सारे सदकात हैं, बहुत सारी नमाजें हैं, बहुत सारे रोजे हैं, तो अल्लाह उसको जन्नत दे देगा? या फिर उसको गुनाहों से भी अपने आप को बचाना होगा? इस्लाम क्या है? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ऐसा नहीं कि आपने अगर अम्र बिल मारूफ कर दिया है तो आपने निजात हासिल कर ली, बल्कि आपको मुनकर से भी रुकना होगा, मुनकर से भी अपने आप को बाज रखना होगा। और यही वजह है कि मेरे मौला फरमाते हैं कि वजदतु इल्म अन्नास फी अरबा, चार चीजों के अंदर मैंने उलूम इंसानी को पाया है। अव्वलुहा अन तअरिफ रब्बक, पहले अपने रब की पहचान। वत्तालिथा अन तअरिफ नफ्सक, फिर अपने जात, अपने वजूद, अपने नफ्स की पहचान। वत्तालिथा अन तअरिफ मा अरादा मिनका रब्बक, तीसरी चीज ये कि तुम अपने वजीफे से और अपने मकसद से कि तुम्हें किस लिए अल्लाह ने खल्क किया, इससे आशना। और चौथी चीज अंतारिफ मायुफ्रिजुका अन दीनक, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे दीन से निकाल सकती है? तो जहां हक शनासी जरूरी है, वहां पर बातिल से भी अपने आप को आगाह और आशना रखना और उससे अलर्ट और होशियार रहना जरूरी है। इसीलिए हम जब अपने काम का आगाज करते हैं या कुरान का आगाज करते हैं या किसी भी चीज की इब्तिदा करते हैं, तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले क्या कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाह, कि पहले हम लोग बातिल को निकाल दें, फिर बिस्मिल्लाह, फिर हम हक के अंदर दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा अगर कोई सिर्फ ये जानता है कि जनाब आसिया कितनी ज्यादा ईमानदार मोमिना खातून थी, तो बात पूरी नहीं होती। फिरौन जिस तरह, जिस जुरअत के साथ, जिस नादानी के साथ, जिस जहालत के साथ अल्लाह के मद्द मुकाबिल आकर खड़ा हो और उसने कहा ना रब्बुकुमुल आला, तो बात पूरी समझ में आती है। अगर हम ये कहें कि हजरत नूह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए 950 साल अपने लोगों को दिए, तो बात पूरी नहीं होती। बल्कि ये भी देखना जरूरी होगा कि उनकी अपनी औलाद थी, उनके अपने घर में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो उनसे मुनहरिक हो गए। लिहाजा हक और बातिल दोनों को, खानदान रिसालत हम देखते हैं जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जात है, वही उसी खानदान में तब्बत यदा अबी लहब मतब भी मौजूद है, अबू जहल भी मौजूद है। लिहाजा हम जब तक दोनों चीजों को नहीं समझेंगे, कुरान भी तो इसी तरह है ना, कुरान जब जन्नत की हमें खुशखबरी देता है तो उसके साथ ही हमें जहन्नम से भी अलर्ट करता है। रसूल अल्लाह के अलकाबात में देखते हैं आपको बशीरन व नदीर, कि आप अगर खुशखबरी देने वाले कुरान में जो अल्लाह की नेमतें हैं वो उम्मीद और अल्लाह की रहमत की जानिब बुलाने वाले, को एट द सेम टाइम नज़ीर भी है, होशियार करने वाले, अलर्ट करने वाले, जहन्नम के बारे में बताने वाले, अजाब के बारे में बताने वाले, शैतान से होशियार रखने वाले, और इंसान के जो गुनाहों के बाद जो उसके अंदर कमी आ जाती है, जो उसकी जात बेहसियत हो जाती है, उसको भी बताने वाले। तो दोनों साइडें हमें देखनी है। हम जो 10 दिन आशूरा के अक्सर तस्करा करते हैं, वो हुसैनी बनना है, वो आशुराई बनना है, वो जैनबी बनना है, वो फातिमी बनना है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम देखें कि किस तरह से हम अपने दामन को शैतान और यजीद के वजूद से पाक रख सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहला कदम, क्या हमें डट के किसी के सामने कुछ तकरीर करने की जरूरत है? क्या हम ये सोचें कि अगर हमें यजीद से मुकाबला करना है तो हम खड़े होकर यजीद के जैसा कोई कैरेक्टर अपने मुआशरे में, अपने आसपास तलाश करें और उसके सामने जाकर बात करें? क्या मेरा और आपका फर्ज बनता है? देखिए, यजीद बाहर मौजूद एक एक्सटर्नल वजूद का नाम नहीं है, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जो कभी शद्दाद था, फिर वो कारून बना, फिर वो फिरौन बना, फिर वो कुरैश बना, फिर वो अबू सुफियान बना, फिर उसके बाद वो इब्ने मुजर बना, फिर उसके बाद वो मुआविया बना, फिर उसके बाद वो यजीद बना। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि इसी सिलसिले में हमें वो अपनी जगह मौजूद है, अल्लाह उनको यकीनन उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि ये शिमर, ये यजीद, ये उमर इब्ने साद, ये फिरौन हमारे अंदर पल रहा होता है, हमारे अपने नफ्स की शक्ल में, हमारे अपने वजूद का हिस्सा बनकर, और वो हमारे अंदर के हुसैन को, वो हमारे अंदर की करबला को, वो हमारे अंदर के आशुरा को, वो हमारे अंदर के हसना को, वो हमारे अंदर के मवाली और मुहिब को गुनाह से आलूदा कर ले।
लिहाजा हमने सबसे पहले अपने दामन को गुनाह से आजाद करना है कि हम हर उस चीज से, हर उस रिच से अपने आप को पाक करें कि जो हमें हुसैनियत से, करबलाई होने से, आशुराई होने से, बतौर इंडिविजुअल, बतौर एक जात, बतौर एक वजूद, बतौर एक फर्द अपने आप को उससे पाक कर लें। बस जब हम इसकी कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक रिवायत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि या फर्जंदे रसूल, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं गुनाह ना करूँ लेकिन मुझसे हमेशा गुनाह हो जाता है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। आपने फरमाया मैं तुम्हें गुनाह करने की पूरी फ्रीडम देता हूँ, तुम्हें आजादी है, जितने गुनाह करने हैं तुम करो लेकिन पांच काम पहले कर लेना। फरमाया सबसे पहला काम अल्लाह की रोजी और अल्लाह का रिस्क ना खाओ, जितने जी में आए गुनाह करो। दूसरा काम अल्लाह की जमीन से बाहर निकल जाओ, जितने जी आए दिल में गुनाह करो। तीसरा काम फरमाया ऐसी जगह चले जाओ जहां अल्लाह तुम्हें ना देख सकता हो, जितना जी में आए गुनाह करो। चौथा काम फरमाया जब इज़राइल मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आए तो अपने आप को, अपने अपने वजूद को उससे महफूज कर लेना, उससे अपनी जान कब्ज करने ना देना। और पांचवा काम फरमाया कि जब मालिक, मालिक कौन है, खाजिनुल जन्नम, खाजिनुल जहन्नम, जो जहन्नम का किलीद बरदार है, जो जहन्नम में सबको डालेगा। कहा कि जब मालिक से तुम्हारी मुलाकात हो तो मालिक से कहना कि मैंने जहन्नम में नहीं जाना, और फिर तुम अपना रास्ता ले लेना। ये पांच काम अगर तुम कर सको, अल्लाह की रोजी ना खाओ, अल्लाह की जमीन से निकल जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां अल्लाह ना हो, इज़राइल से और मालिक से जो जहन्नम का किलीद बरदार या जहन्नम का अथॉरिटेटिव बंदा है, मलक फरिश्ता है, उससे आजाद कर लो, उसके बाद जो जी में आए गुनाह करो, जिस तरह जी में आए मासियत करो। लिहाजा हम अल्लाह की रोजी के सिवा कुछ कर सकते, अल्लाह की जमीन के सिवा कहीं जा सकते? क्या हम कोई ऐसा मकाम है जहां खुदा ना देख सकता हो? इज़राइल और मालिक, इनसे निजात हमारे बस में है। वक्त मौत जब हमारी जिंदगी के लम्हात खत्म हो जाएंगे, ये सफर रुक जाएगा, मेरा और आपका वजूद क्या करेगा? लिहाजा ऐसे मौके पर आकर हमारे लिए एक ही सिलसिला रह जाता है कि मेरे मौला साहिब नहजुल बलागा अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि इंसान की हिम्मत उस वक्त है जब वो अपने नफ्स को काबू कर सके। यानी बहादुर इंसान वो है जो अपने नफ्स को अपने इख्तियार में ला सके। इसीलिए कहते शाह सलजूक एक दफा एक दरवेश से मिला, और दरवेश से मुलाकात के लिए जब वो दरवेश के पास उसके कमरे में, उसके गुजरे में दाखिल हुआ, दरवेश जैसा था वैसा ही बैठा रहा। शाह सलजूक को बादशाह का इतना बड़ा उसको बुरा लगा, उसने कहा इसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, इसने मुझे एहतराम नहीं किया, और इसने मेरे हक में कोई अदब व आदाब नहीं दिखाया। लिहाजा उसने दरवेश से पूछा, शाह सलजूक ने जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता। उसने कहा मैं शाह सलजूक हूँ, यानी बादशाह हूँ इस पूरी सल्तनत का। उसने कहा मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कहने लगा तुम जानते हो जिस जमीन पर इस वक्त तुम मौजूद हो, ये मेरी जमीन है, ये मैंने फतह की है, और यहाँ पर जो हुकूमत है और यहाँ पर जो जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो मेरी वजह से हैं। उसने कहा ये सुनकर और ज्यादा मुझे अच्छा लगा। अब जब इसने शाह ने देखा कि मुझे किसी भी सूरत ये मेरे लिए कोई एहतराम एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसका इजहार नहीं कर रहा, तो उसने कहा जानते हो मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरी कुदरत कितनी ज्यादा है, मेरी कुदरत इतनी ज्यादा है कि इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े बड़े जंगजू थे, पहलवान थे, जो लश्कर और आर्मी लेकर मेरे खिलाफ आए थे, मैंने उन सब को कैद करके जेल में डाला हुआ, उनको पकड़ने वाला मैं हूँ, मेरी तलवार के नीचे वो लोग आए थे। जब उस दरवेश ने सुना तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ऐसा हो, आप बिल्कुल बजा दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैंने उसको अपने कैद, अपनी कैद में रखा हुआ है, मेरी जेल में या मेरे जिंदान में वो है जो आप पर हुकूमत करता है। शाह सलजूक हैरान हुआ, कहने लगा वो कौन है जिसको तुमने अपनी कैद में रखा हुआ है और वो मेरे ऊपर हुकूमत करता है? तो दरवेश ने जवाब दिया और कहा वो कोई और नहीं, वो नफ्स है, नफ्स। मेरी एक इज्जत और एहतराम ना देने पर आपके नफ्स ने आपको ऐसा काबू किया
کہ اتنی بڑی سلطنت کا فاتح اپنے نفس کا محکوم ہو گیا, اپنے نفس کا غلام ہو گیا. اس کے پاس اور کچھ نہ تھا کہ وہ غصہ کرنے لگا, اس کو برا لگا. اور میں ایک درویش ہوتے ہوئے, کوئی مجھے عزت دے, کوئی مجھے نہ دے, کوئی میرے ساتھ برا کرے, اچھا کرے, جو بھی کرے, میرا وجود اللہ کو لے کر نفس میرا مطمئن ہے. لہٰذا جو انسان ہے وہ اپنی ہمت کے حساب سے, کہ وہ اس کی ہمت یا اس کی بہادری یا اس کی شجاعت, اس کی استقامت, اس کی ڈیووشن کو اگر جج کرنا ہے یا اگر اس کو ایویلویٹ کرنا ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ دیکھیں کہ اپنے نفس کو کتنا قابو کر سکتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ شجاع, دلیر, بہادر, ہمت والا وہ ہے کہ جس کے سامنے جب اس کا نفس آ جائے تو وہ اس کے ساتھ جنگ کرے. اسی لیے کہتے ہیں جناب لقمان حکیم, جو نبی نہیں تھے, مرسل نہیں تھے, صاحب علم تھے, صاحب حکمت تھے, اللہ نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا, اور کتنے خوبصورت انداز میں کیا. حضرت لقمان حکیم جس دورانیے میں جیتے تھے وہ زمانہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا, اور آپ جانتے ہیں حضرت داؤد کا معجزہ یا ان کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آ جاتا تو لوہا نرم ہو جاتا تھا, لہٰذا وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کی چیزیں بناتے تھے جن میں سے ایک زرہ تھی. حضرت داؤد کی زرہ بہت مشہور تھی, بہت معروف تھی, بہترین زرہ بناتے تھے. حضرت لقمان حکیم حضرت داؤد سے ملنے کے لیے جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے بھی ایک زرہ بناؤں, سب مجھ سے زرہ بنواتے ہیں. تو حضرت لقمان حکیم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے آپ سے زرہ بنواؤں, مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرا کوئی ایکسٹرنل دشمن نہیں ہے. پوچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب لقمان حکیم نے کہا کہ جو میرے اپنے اندر کا دشمن ہے, میں ابھی اس سے جنگ جیتا ہی نہیں کہ میں باہر کے دشمن کے ساتھ لڑائی کروں. پہلے میں اپنے اندر کے نفس کو تو جیت لوں, میری شجاعت پہلے اس پر تو ثابت ہو جائے. جب اس پر ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد میں کہہ سکوں گا کہ اب میں کسی اور کے ساتھ جنگ کر سکتا ہوں, کسی اور کے سامنے نبرد آزما ہو سکتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں جب جناب حمزہ, جن کو سید الشہداء سے پہلے سید الشہداء کہا جاتا تھا, جناب حمزہ مشہور و معروف تھے. کس وجہ سے؟ اپنی شجاعت, شہامت, دلیری, استقامت. کہتے تھے کہ میدان جنگ میں جہاں پر جناب حمزہ موجود ہوں اس جانب کوئی پھٹکتا نہ تھا, صرف اس لیے کہ جناب حمزہ, کیونکہ ان کی تلوار کے نیچے جب کوئی آ گیا تو وہ کبھی اس سے نجات نہیں حاصل کر سکا تھا. لہٰذا جناب حمزہ جب اسلام لے کر آتے ہیں تو جناب حمزہ اپنی زرہ اتار دیتے ہیں, اور بغیر زرہ کے آپ میدان میں تشریف لاتے ہیں. آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ کیا خدا قرآن میں نہیں کہتا لا تبقوا ایدیکم الى التهلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, آپ کیوں اس طرح بغیر زرہ کے میدان میں آ گئے جبکہ جوانی میں آپ نے زرہ پہنی ہے؟ تو جناب حمزہ نے جواب دیا اور کہا تم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ لا تبقوا ایدیکم الى التهلکہ, کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ خدا جہاد کرنے والوں کو کیا کہتا ہے کہ اگر کام آ گئے, شہید ہو گئے, جان چلی گئی, تو اللہ شہادت کے ساتھ قبول کرتا ہے اور وہ سعادت مند موت ہے, اور اگر زندہ رہ گئے تو پروردگار عالم انسان کو غازی قرار دیتا ہے. یہ جگہ ہلاکت کی, لا تبقوا ایدیکم الى التهلکہ ہلاکت کی جگہ نہیں ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں انسان محاذ میں, میدان میں, جہاد اصغر میں ڈال ہی نہیں سکتا, یہ تو عبادت ہے. اور یہاں اگر میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں نے زرہ نہیں پہنی بھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میں سابق الی الخیرات ہوں, میں نیکی کی طرف تیزی سے دوڑنے والا, جانے والا ہوں. لہٰذا جو اپنے نفس کے اوپر جب حاکم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تن سے زرہ بھی اتار دیتا ہے, پھر وہ اپنے وجود پر موجود اس بدن سے آزاد ہو کر بہت آگے کی دنیا اس کے لیے. لہٰذا سب سے پہلی جنگ, سب سے پہلی طاقت, سب سے پہلی ہمت, سب سے پہلی اتھارٹی جو انسان کسی کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر سکتا ہے وہ ہے اپنا نفس. میری جان قربان, میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر آپ فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو انتہائی نزدیک رکھا ہے, انتہائی قریب رکھا ہے. فرمایا کہ ایک قدم اٹھاؤ نفس کو کچل ڈالو, دوسرے قدم پر بہشت, دوسرے قدم پر جنت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, ہم جو سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں, کس لیے؟ کیونکہ میرے مولا نے
अपनी इस नुसरत से, अपनी इस हिम्मत से, अपनी इस ताकत से नफ्स को अपना महकूम और उसको अपना गुलाम बनाया हुआ था। इसीलिए आपने सरजमीन करबला वो काम कर दिखाया कि अल्लाह ने सैयद शहदा की किस चीज को सबसे ज्यादा अपनाइयत में ले लिया और उसका ऐलान किया, नफ्स से मुतमईन, नफ्स गुलाम हुसैन हो चुका, कब्जा हुसैन का अपने नफ्स के ऊपर ऐसा था। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते कद्र रजुल अला कद्र हिम्मत ही, किसी भी इंसान की जो कद्र है या उसकी कीमत है उसकी हिम्मत के मुताबिक है। अगर उसके अंदर जितनी ज्यादा हिम्मत मौजूद है, जितना इख्तियार मौजूद है, जितना ज्यादा उसके अंदर डिवोशन है, उतना ज्यादा उसकी कद्र, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर वो बेबस है अपने ही वजूद में लेकर, और उसकी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बताती हूँ, जनाब बिलाल हबशी, आप सब जानते हैं रसूलुल्लाह एक तो हबशी गुलाम थे, अरब और अजम का फर्क अपनी जगह हम नहीं मानते उस जमाने में, तालिब इल्म बने, इस्लाम लेकर आए, मुअज्जिन रसूल बने, जंग और हजर में रसूलुल्लाह के साथ साथ रहे, और जब रसूलुल्लाह ने आपको हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी जानिब से आप लोगों के दरमियान तबलीग करें, तो आपने मुबल्लिग भी बने, आप प्रीचर भी बने और इस्लाम की जानिब लोगों को दावत देते रहे। ये जनाबे बिलाल हबशी का किरदार है। दूसरी जानिब हसान इब्ने साबित है। हसान इब्ने साबित बहुत ज्यादा बड़े खतीब और शायर थे, जिस महफिल में बैठते उनके शेर जो हैं वो सबको अपना गर्विदा बना लेते, यानी हर कोई उनके अशआर की वजह से उनकी जानिब खींचता, लेकिन वो शुजा नहीं थे, दलेर नहीं थे। मैं एक छोटा सा वाकया ब्रैकेट में बयान करती चलूं कि कहते हैं कि जनाब हसान बिन साबित जब एक दफा यहूदियों के साथ मुसलमानों का नबर्द या एक वॉर चल रही थी, उस वक्त जनाब हसान इब्ने साबित एक ऐसी जगह जाकर बैठ गए जहां पर तमाम मस्कुरात मुसलमानान या अहले हरम को रखा गया था, सारी खवातीन वहां पर मौजूद थी, जनाब हसान बिन साबित वहां पर बैठे, यहां तक कि एक यहूदी ने उस जगह पर भी हमला किया। जब हमला किया तो ये शुजा नहीं थे, दलेर नहीं थे, उन्होंने हमले का जवाब नहीं दिया। जनाब सफिया जो रसूल अल्लाह की फूफी है वो अपनी जगह से उठी और उन्होंने यहूदी को वासिले जहन्नम किया, और जब वासिले जहन्नम मर गया वो पड़ा हुआ था, तो जनाब सफिया ने कहा ए हसान देखो तलाशी लो, शायद अंदर कोई काम की चीज हो या फिर कोई ऐसी चीज हो कि जो जिसका हमें इल्म होना जरूरी है, हो सकता है किसी मकसद के तहत किसी वजह से यहाँ पर आया हो। तो हसान इब्ने साबित ने एक जुमला कहा कि मुझे सिर्फ जिंदा जंगजू से नहीं मरे हुए जंगजू से भी डर लगा। इंसान की कदर उसकी हिम्मत के हिसाब से, हसान इब्न साबित की कदर, उनकी वर्थ, उनकी कीमत, उनकी हैसियत, उनकी फजीलत ज्यादा है या एक हबशी गुलाम की कि जिसको लोग अरब और अजम गोरे और काले के फर्क में डाल देते हैं। यकीनी सी बात है हम यही कहेंगे कि कभी भी वो जो अपने नफ्स को, अपने वजूद को गोरे काले अरब व अजम अच्छे और बुरे से निकाल कर अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी स्ट्रगल के मुताबिक, अपनी डिवोशन के मुताबिक रहता है, उसकी कदर हम ज्यादा करते हैं। हसान इब्ने साबित जितने साहिब इल्म हो उनके पास जितनी फसाहत व बलागत हो, उनके खुतबे चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, कितने ही बड़े शायर क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक औरत के सामने आने के बावजूद कहेंगे कि एक मरे हुए जंगजूस के सामने ना जा सके, तो कहेंगे एक मुकम्मल, एक आप कहें कि वैल्यूएबल या एक बहुत ही शुजा या एक कदर वाला फजीलत वाला इंसान नहीं होगा। इसी तरह हजरत लूत की ज़ौजा, उनको आप ज्यादा कदर देंगे, किसकी कदर ज्यादा करेंगे, या फिरौन की बीवी की किसकी आप कदर ज्यादा करेंगे, कौन है जो ज्यादा आपको लगेगा कि वो ज्यादा कदर रखता है? एक फिरौन की बीवी है, लेकिन हजरत आसिया है। दूसरी पैगंबर की बीवी है, हजरत लूत की बीवी है, किसकी कदर ज्यादा है, आसिया की या जने लूत की? बेटा एक हजरत नूह का है जो आख
आखिर वक्त तक अपने बाप के सामने, आप सब जानते हैं बारहा आप लोगों ने कई दफा इस बात को सुन रखा होगा, उसकी कदर ज्यादा है या हजरत याकूब के वो बेटे जिसको कुएं में डाल दिया गया, उसकी कदर ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, यूसुफ की कदर ज्यादा। दोनों नबियों की औलाद है, दोनों अंबिया के बेटे हैं। इसी तरह अबू लहब जो रसूल अल्लाह का चचा है, उसकी कदर ज्यादा है या उवैस करनी जो दूर यमन में रहता है, जिसने नबी से कभी मुलाकात ही नहीं की, जिसने कभी रसूल अल्लाह के चेहरे को नहीं देखा, उसकी कदर ज्यादा है। लिहाजा जो फर्द, जो शख्स, जो वजूद अपने आप को जितना ज्यादा अपनी स्ट्रगल, अपने वजूद को इल्लाह रखता है, वो अपनी हैसियत, अपने होने को, अपने वजूद को और ज्यादा कीमती। हम कुरान में अगर देखें कि खुदा ने किन को इज्जत दी है, किन को फजीलत दी है, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि उन्होंने बुलंद हिम्मती दिखाई है, क्योंकि वो पूरी ताकत, पूरी इस्तकामत, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने मकसद की जानिब चलते रहे और उसमें उन्होंने कोई एक मिनट की रुकावट नहीं डाली। सूरह कहफ कसीदा है अस्हाब कहफ का, कि उन्होंने ये तसव्वुर नहीं किया कि हम पकड़े जाएंगे, अगर खामोशी इख्तियार, अपने रास्ते पर रहे। अल्लाह ने उस मौजजे को आज के दिन तक जिंदा रखा है, और जब इंशाल्लाह इमाम ज़हूर फरमाएंगे परवरदिगार आलम हमें वो दिन दिखाए, हम असहाबे कहफ से मुलाकात करें, मुसाफिहा करें, हम उनसे पूछें तमाम अहवाल, अल्लाह हमें वो दिन, हमारी आंखों को उस दिन से रोशन करे। अल्लाह ने उनकी हिम्मत को और उनकी इस्तकामत को कुरान में बरमला उसको अप्रिशिएट किया है। हजरत मूसा, खुदा क्या कहता है, बरहना पाह थे मूसा, पाँव में जूते नहीं थे, और सामने कौन था, वो जो कहता था मैं खुदा हूँ। और अल्लाह ने मूसा को एक छड़ी किस बुनियाद पर, हजरत मूसा के पास हिम्मत थी, वो हारने वाले नहीं थे। यहाँ तक कि हजरत ज़ुल्क़रनैन, उनके बारे में खुदावंद करीम सूरह कहफ में ही ज़ुल्क़रनैन का वाक़िया मौजूद है, याजूज और माजूज के सामने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें तारीख आलम की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट जो दी है वो हजरत ज़ुल्क़रनैन के पास है। किस बुनियाद पर, थे वो एक कॉमन से इंसान, लेकिन अल्लाह ने उनको उनकी हिम्मत के जवाब में बेहतरीन चीजें दी। हमारी जाने कुर्बान, परवरदिगार आलम रसूल अल्लाह उनकी बुलंद हिम्मती के ऊपर क्या कहता है, इन्ना फतहना लकुम फतहन मुबीना, हम आपको ऐसी जीत देंगे, ये जमाना देखिएगा हमारी जबान में, कि मुबीन, आश्कार, रोशन, कोई इनकार ही नहीं कर सकता होगा। लिहाजा जो जितनी हिम्मत करता है अल्लाह उसकी कदर को उतना ज्यादा बढ़ा देता है। हमारी जाने कुर्बान, हजरत आदम की नबूवत का दौरानिया 800 साल, हजरत मूसा की नबूवत 100 से ज्यादा साल, हजरत ईसा की नबूवत 70 से ज्यादा साल, हजरत नूह माशाल्लाह 950 साल, हजरत सुलेमान 300 साल। क्या हुआ, अपनी कौम के दरमियान वो अपनी नबूवत को, अपनी किताब को, अपनी शरीयत को बयान करते रहे, लेकिन कोई 950 साल, कोई 70 साल तक, कोई 300 साल तक, कोई 700 साल तक, कितनी मुद्दत तक अपनी कौम में लगा। और रसूल अल्लाह ने ये कारनामा सिर्फ अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी डिवोशन और अपनी विल पावर की बुनियाद पर 23 साल 23 years कोई मुद्दत है, 23 साल में नबी खुदा ने अपने इस मकसद को हासिल किया। कैसे मकसद हासिल किया, कि पूरी दुनिया जहां जहां लोग, जहां जहां अफराद, जहां जहां हम जानने वाले बसते हैं, सब के सब उनके दीन पर आ गए, ताकयाम कयामत के लिए दीन मुहम्मदी साबित हो गया। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि हम आपको फतह मुबीन देंगे, ऐसी आशकारा फतह होगी कि उसको देखकर हर खास सुआम, हर अपना पराया जान जाएगा। लिहाजा अगर हम इस बात को इस तरह से लें कि हम भी चाहते हैं हम हिम्मत वाले हों, हम भी चाहते हैं कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करें, हम भी चाहते हैं कि हम बिलाल हबशी की तरह
हमारी भी पर्सनालिटी की बहुत सारी डायमेंशंस हों और हम हर लिहाज से सिर्फ एक गुलाम ना रहे, एक तालिब इल्म भी बने, एक तालिब इल्म ना रहे, एक प्रीचर भी बने, एक प्रीचर ना बने, एक मुअज्जिन भी बने, एक मुअज्जिन ना बने, गुलाम रसूल सफर और हजर पे रहे, सिर्फ गुलाम रसूल भी ना रहे, हम मुजाहिद भी बने। जनाब बिलाल हबशी की जिंदगी आप देखें तो वो इतने, उनकी शख्सियत इतनी वर्सटाइल है, इतना कुछ, इतनी जिहाद उनकी पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई मोल नहीं। अगर हम चाहें कि हमारे अंदर भी ये चीज आ जाए, बिलखसूस ये दिन 11 मुहर्रम का जो हम लोग गुजार चुके हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि जनाब ज़ैनब कुबरा जब करबला से निकली हैं, जब आपने सफर किया है, एक जुमला है जो आपने शायद हजार दफा मेरे मुंह से सुना होगा कि खूली से यजीद ने पूछा, बता कितनी जगहों पर इन्हें रुस्वा किया, तो क्या जवाब दिया खूली ने, खूली बिन तमीम ने, उसने जवाब दिया, उसने कहा कि हम, मैं हर जगह इन्हें जलील और रुस्वा करने के लिए लेकर जाता था, लेकिन ये बीबियां हर जगह इज्जत और शरफ के साथ फातिह बनकर दाखिल हो गई, फातिह बनकर दाखिल हो गई। कोई भी ना था कि जो ये कहे कि नौजबिल्ला ये जलील और रुस्वा हो गई। क्या चीज थी? हिम्मत थी जिसने उनको सरबुलंद रखा। लिहाजा अगर हम कहें कि हमें भी वो चीजें चाहिए हैं जो हमारे अंदर हिम्मत बढ़ाने का, या हमें अपने नफ्स पर हाकिम होने का, या हमें रूह है करबला या सफीर इमाम हुसैन या जनाब ज़ैनब कुबरा की तरह बनने का हौसला, जो जा अल-हक व ज़हक़ल बातिल, अल्लाह का वादा इसका हिस्सा बना सकती है, तो देखिए मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीन चीजें हैं जो इंसान को तरक्की करने से, आगे बढ़ने से, आली होने से, या उसकी अपलिफ्ट से उसे रोकती हैं। तीन चीजों को अवॉइड करो तो बहुत ज्यादा ग्रो करो। पहली चीज आपने फरमाया छोटा विजन। जिसका विजन छोटा होता है, जिसकी साइट छोटी होगी, जिसका नजरिया मुख्तसर सा होता है, वो कभी भी ऊंचे मकाम को हासिल नहीं कर सकता। फिर दूसरी चीज फरमाया कि जिसकी हिकमत कमजोर हो। हिकमत को मैं यूं कहूंगी प्लानिंग, जिसने ज्यादा लॉन्ग टर्म दूरंदेशी के साथ प्लान ना किया हो, जो सिर्फ अगले दो दिन का सोचता हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी इसकी मिसाल दूंगी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है। तारीख से जब आप यकीन जानिए कि अक्ल गर्क हैरत होती है कभी कभी तारीख की कुछ चीजें पढ़कर कि प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन जब मदीने की गलियों में होते, तो जो आप जानते हैं मदीना किस लिहाज से मशहूर है, वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा फल है? खजूर। तो लोग खजूर खाते थे और उसकी गुठलियां जो उसके अंदर सीट होते वो फेंक देते थे। अमीरुल मोमिनीन उन तमाम गुठलियों को जमा कर, यहाँ तक कि उसकी एक बड़ी सी बोरी, एक सैक भर जाता। एक दफा किसी ने पूछा आपसे कि आप इतनी सारी ये गुठलियां जो पड़ी होती इनको क्यों जमा करते हैं और ये सैक बनाकर, एक बोरी बनाकर आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो आपने फरमाया मैंने मदीने के सामने एक जगह देखी है, जो जगह मैं अगर आपको अभी एक्यूरेटली बताऊं कि वो जगह कौन सी है, तो मस्जिद कुब्बा का आसपास वो इलाका है जहाँ पर आज भी वो कुएं मौजूद हैं। आप जाएं तो वहां पर, अब तो बंद कर दिए हैं, खुदा लानत करे उन पर जिन्होंने बंद किए, जो अमीरुल मोमिनीन ने खुदवाए थे और आपने फरमाया था ये जमीन जरखेज है। फरमाया कि वहां जरखेज जमीन है, वहां कुआं खोदूंगा और ये सारे बीज जो लोगों ने फेंक दिए इनको वहां बोऊंगा, और वहां बोने के बाद कितने गरीब हैं जिनके घर चलेंगे, सुभान अल्लाह, कितने लोग हैं जिनका वहां पर कारोबार होगा, जिनके शिकम, जिनके पेट वहां से पाले जाएंगे। तो फरमाया कि जो बुलंद हिम्मत होता है उसकी हिम्मत छोटी नहीं होती, उसकी प्लानिंग मुख्तसर नहीं होती, वो सिर्फ अपना नहीं सोचता, वो जब एक गुठली को भी देखता है तो उसके अंदर भी, अंदर से भी वो बहुत सारी चीजें निकालता है। और फिर फरमाया तीसरी चीज अपने अंदर से निकाल दो, खुदा तुम्हारी जात को बहुत तरक्की देगा, बढ़ाएगा, तुम्हारे नसीब को अपलिफ्ट मिलेगा। फरमाया वो है कि अपना कुव्वत इरादी मजबूत कर लो। जिनका कुव्वत इरादी मजबूत नहीं होता, जिनकी विल पावर अच्छी नहीं होती, वो हमेशा सिर सरनिगुम हो जाते हैं। हम जानते हैं
हमारे पास इतनी खूबसूरत मिसाल सरजमीने करबला की ऐसी मौजूद है कि जहां पर कुव्वत इरादे की बुनियाद पर इस जंग को जीता गया था। तारीख गवाह है, मैं और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सरजमीने करबला असल में जंग हथियार की जंग नहीं, इरादे की जंग का नाम था। जिसका इरादा जितना ज्यादा, जिसकी नीयत, जिसके इंटेंशंस जितने ज्यादा प्योर खालिस थे, वो उतना ज्यादा उसके अंदर अपने मकसद के अंदर रहा और उसने उसका नतीजा हासिल किया। यहाँ तक कि असीरा ने कर बना, यहाँ तक कि वो बीबियां जिनके पास अपने अजीम मकसद को हासिल करने के लिए एक चीज है, जनाब ज़ैनब कुबरा के पास, जनाब उम्म कुलसूम के पास, जनाब फातिमा कुबरा के पास, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास सिर्फ एक चीज है और वो है इरादा, वो है नियत। और वो इरादा कि जिसकी बुनियाद पर चाहे काख यजीद क्यों ना हो, यजीद का दरबार क्यों ना हो, चाहे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की ताकत क्यों ना हो, बीबी ने, इमाम ने अपने किरदार की बुलंदी के साथ साथ अपने इरादे और ताकत की बुनियाद पर एक लम्हे के लिए भी अपने उस मकसद से पीछे ना हटे। कोई मौका ऐसा ना आया, दरबार था खुतबे दिए, बाजार था लोगों ने सदके दिए, तो जवाब में ये नहीं कहा कि हम सदका नहीं खाते, फरमाया सदका आले मोहम्मद पर हराम है। जब आपका सैयद शहदा का सर संदूक में रख कर लाया गया तो मेरे मौला ने अपनी कुव्वत इरादे, देखिए सर तन से जुदा हो गया, कुरान से जुदा नहीं हुआ। इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ है, कुरान से जुदा नहीं हुआ। मतलब क्या है? इरादा अभी भी उस सर के अंदर बाकी है। हमारी जाने कुर्बान उन हस्तियों पर जिन्होंने अपने विजन, जिन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी हिकमत, अपनी प्लानिंग और फिर उसके बाद अपने कुव्वत इरादे की बुनियाद पर अपनी हिम्मत को इतना बढ़ाया, इतनी अजमत और रिफ़त दी कि आज अगर हम पलट कर करबला देखें, मुझे यकीन है कि आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी हैं, आप इस वक्त अपने अपने घर की छत के नीचे हैं, आपके पास फर्श है जिस पर आप बैठी हैं, आपके पास आपके मर्दों का साया है, मैं यूं कहूं गैरत का साया मौजूद है, आपके पास तन ढांकने के लिए लिबास है, तन ढांकने के लिए लिबास है, लेकिन करबला हो, लेकिन करबला में क्या है? करबला में न सर पर चादर है, न जमीन नीचे बिछोने के लिए कोई बिछोना, उड़ती हुई खाक, वो खाक जिसमें खून की बू है, खून की खुशबू है, और सर पर जला हुआ खैमा छोड़े ना महरमों की, मर्दों की गजब और गुस्से भरी निगाहें हैं, और फिर मेरी जान कुर्बान मेरे उस इमाम पर कि जो जन्नत का सरदार है, लेकिन आपके तने अथहर पर, आपके वजूद अथहर पर लिबास नहीं, हत्ता वो बोसीदा लिबास, हत्ता वो बोसीदा लिबास जो आपने अपने तन पर इसलिए पहना था कि शायद दुश्मन को पसंद ना आए और ये इसको छोड़ दे, मेरे तन पर छोड़ दे। तन पर लिबास होना हक है, जरूरत नहीं, हक है किसी भी इंसान का, किसी भी ज़ीरूह का, किसी भी साहिब नफ्स का हक है। इसीलिए अगर कोई इस दुनिया से रुखसत भी हो जाए हमारा प्यारा, उसमें अगर ताकत नहीं है, एक मैयत के पास कोई इख्तियार नहीं, हम उसको उसके हक से महरूम नहीं रखते, हम उसको उसका हक देते हैं, उसके तन को ढांकते हैं, उसके तन से धू या फिर अगर कोई नजासत हो उसको दूर करते हैं, उसे काफूर की खुशबू देते हैं, उसके तन को सफेद सुथरे लिबास से मुजयन करके उसको एक खूबसूरत शक्ल में, जिस तरह एक दुल्हन अपने महबूब से मिलती है, इस तरह एक मैयत को खुदा जैसी हबीब हस्ती के पास भेजा जाता है। ये हक है एक मैयत का, ये हक है एक इंसान का, मैं यूं कहूँ ये तो एक गुनाहगार का भी हक है। हमारी जाने कुर्बान सरजमीन करबला के उस कमाल लाशे पर, उस जहरा के लाल पर,
उस साहिब किसा पर, उस फातह मुबाहिला पर कि जिसके तन पर उनका हक भी नहीं है, जिनके तन पर एक हिजाब नहीं है, जिनके लिए कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह जाने वो लाशा सरजमीन करबला में कैसे किस आलम में पड़ा था। तारीख इतना लिखती है कि 11 मुहर्रम का जब सूरज तुलू हुआ है तो तमाम लोग, जिन जिन कबीलों से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद थे, वो अपने अपने वारिसीन को लेकर जुहैर बिन कैन के कबीले वाले आए उनकी मैयत को ले गए तदफीन की। हबीब इब्ने मज़ाहिर के कबीले वाले आए उनकी तदफीन की। मुस्लिम इब्ने औसजा की तदफीन हुई। हत्ता रिवायत कहती है कि जनाबे जौन जो गुलाम हबशी थे उनकी भी तदफीन कर दी गई, नाफे बिन हलाल, जुहैर बिन कैन, तमाम असहाब जो दूसरे कबीलों से ताल्लुक रखने वाले थे सबकी मैयतें दफना दी गई। करबला में अगर नावारिस कोई कबीला रह गया तो वो कबीला बनी हाशिम, वो जहरा का खानदान था। बेगोर कफन लाशें हैं और दूसरी जानिब ऐलान ये हो रहा है कि बीबियों को जल्दी से असीर की सूरत में, कैदियों की सूरत में तेजी से कूफा पहुंचाया जाए ताकि इनाम इकराम को हासिल किया जाए। पहली दफा ज़ैनब कुबरा ने अपने सामने किसी नामहरम को देखा जो हाथ में रस्सी लिए आया और कहने लगा कि अभी बीबियों को असीरों की जानिब लेकर जाना है। गैरत ज़ैनबी आई, आपने हैबत के साथ जवाब दिया, फरमाया कि तुम में से किसी को इजाजत नहीं, किसी भी मस्तूर के की जानिब अपने हाथों को बढ़ाओ या रस्सी जलो, मैं अपने हाथों से एक एक बीबी के हाथों में रसन बांधूंगी। सलाम है सब्र ज़ैनब पर। बीबी ने अपने हाथों से हर बीबी के, हर असीर को अपने हाथों से उनके हाथों में रसन बांधी, पसे गर्दन ढाली। कहते हैं कि थोड़ी सी रस्सी जो बच गई, बीबी ने फरमाया कि अब रस्सी थोड़ी सी बच गई है, इसके बदल अगर थोड़ी और रस्सी दे दो तो दो लोग बच गए, दो अफराद बच गए, उनको भी पाबंद रसन कर दिया जाए। एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी, एक ज़ैनब और एक सकीना। जब शकी ने यह सुना तो कहने लगा ला ये काम मैं कर दूँ, लिहाजा उसने जनाब सकीना का गला बांधा, जनाब ज़ैनब कुबरा के हाथ बांधे, पसे गर्दन डाल दिए और कहा कि अब बेकजावा अमारियों पर सवार हो जाए। जानते हैं बेकजावा का मतलब क्या है? बेकजावा का मतलब है वो ऊंट जिसके ऊपर सबसे कम लकड़ी, मुख्तसर लकड़ी इसलिए रखी जाती है कि किसी को बिठाया जा सके, और बेकजावा अमारियों पर गुलामों को जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता था तो उनको बिठाते थे कि बोझ कम से कम बोझ ऊंट के ऊपर आए और ज्यादा से ज्यादा गुलाम सवार हों। कहाँ जहरा जादियाँ और कहाँ गुलामों की सवारी, अलगर्ज मेरी बीबी बेकजावा अमारियों पर सवार कर दी गई। तारीख कहती है कि उमर इब्ने साद ने बीबियों को रवाना करने से पहले एक ऐलान किया जिसने जनाब ज़ैनब का जिगर चीर दिया। कहने लगा कि इनको उस मकाम से, उस मक्तल से गुजारो जहां अब्बास और हुसैन के लाशें पड़े हैं, हम इन्हें दिखाएं कि हमने कैसी जंग जीती। तारीख गवाह है जनाब ज़ैनब कुबरा को उस मकाम, उस कत्लगाह से, उस मक्तल से ले गुजारा गया जहां सैयद शहदा का बेगौर कफन लाशा, बेगौर कफन छोड़े पामाल लाशा मेरे मौला का पड़ा है। पामाल लाशा, जानते हैं पामाल लाशे से मुराद क्या है? पामाल लाशे से मुराद वो लाशा है जिसके ऊपर एक वक्त में 100 घोड़े दौड़े हों। पामाल लाशे से मुराद वो लाशा है जिसकी दाएं जानिब की पसलियां बाएं जानिब और बाएं जानिब की पसलियां दाएं जानिब हो गई हों। पामाल लाशे से मुराद ये है कि जिसकी जानिब तीर सामने से फेंका जाए, सामने से मारा जाए, लेकिन बदन ऐसा खोखला हो जाए कि वो तीर पुश्त से निकल आए। पामाल लाशा वो होता है कि जिसके बारे में रावी कहता है हड्डी एक भी सालिम ना बची थी, पूरी मैयत ऐसी हो गई थी जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। लिहाजा वो लाशा दिखाने के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा को कत्लगाह से गुजारा गया। जब ज़ैनब गुजरी है, यहाँ ठहर कर मैं आपको 8 मुहर्रम का एक वाकया याद दिलाती हूँ। जब 8 मुहर्रम आती है तो आप सब ने शहादत जनाब अबुल फजल अब्बास में एक रिवायत सुनी होगी जिसमें जनाब मजलिसी, अल्लामा मजलिसी बयान करते हैं कि मेरे ख्वाब में खातून कयामत आई। आपने फरमाया ए अल्लामा, जब भी कोई मुसीबत पड़ो
मेरे फर्जंद अब्बास की तो एक मुसीबत जरूर पढ़ो कि किस तरह से वो घोड़े से जमीन पर आए। अबुल फजल अब्बास किस तरह से घोड़े से जमीन पर आए, जिसकी आंखों में तीर, जिसकी पेशानी पर तीर, जिसके गले में तीर, जिसके हलकों पर तीर, जिसके कंधों पर तीर, जिसके सीने पर तीर, और उसके दोनों शाने कट चुके, वो किस तरह से घोड़े से जमीन पर आया बताओ आजादारों को, कि मेरा लाहौर कैसे जमीन पर गिरा, मुंह के बल गिरा, पुश्त के बल गिरा, कैसे मेरा अब्बास गिरा। मैं हाथों को जोड़कर कहूँ कि खातून जन्नत है, खातून कयामत सरा 11 मुहर्रम, सरजमीने करबला मख्तर में तशरीफ लाइए, देखिए बेकजावा अमारी है, ज़ैनब उस पर सवार है, हाथ पसे गर्दन है, और हुसैन का पामाल लाशा नजर आता है, ज़ैनब चलते हुए ऊंट से खुद को गिरा देती है, सवाल इतना सा है कि बीबी मुंह के बल गिरी या पुश्त के बल गिरी, किस तरह से ज़ैनब ऊंट की बुलंदी से जमीन पर आई, अब्बास की मुसीबत बड़ी या ज़ैनब की मुसीबत बड़ी, कुठरियों चल के जो ज़ैनब लाशाए हुसैन पर पहुंची, बीबी ने मातम ना किया, अज़ा ना किया, अश्क ना बहाए, एक सवाल किया ज़ैनब ने, क्या ये उसका लाशा है, ये क्या उसकी मैयत है जिसका बोसा नबी लेते थे, जिसका बोसा नबी लेते थे, क्या ये उसकी मैयत है। اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقص دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، وغير سوء حالنا بحسن حالك، واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، امين يا رب العالمين. جزاك الله خير.